सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में एक से बढ़कर एक कैच देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी ही बेमिसाल फील्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबले में भी देखने को मिली। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी फैफ डु प्लेसिस ने बाउंड्री लाइन पर अपनी हैरतअंगेज फील्डिंग का जलवा दिखाया। उन्होंने मार्कस स्टोइनिस का एक ऐसा कैच लपका कि सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। फैफ डु प्लेसिस की हैरतअंगेज फील्डिंग 17वें ओवर में दिखी, जब बैंगलोर के ऑलराउंडर स्टोइनिस ने हवा में शॉट खेला। गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही थी कि प्लेसिस ने गेंद को लपक लिया, लेकिन वो बैलेंस खो बैठे और बाउंड्री लाइन पर गिरने लगे। इसी दौरान फैफ डु प्लेसिस ने समझदारी दिखाते हुए गेंद को अपने सहयोगी फील्डर ध्रुव शोरे की ओर फेंक दिया, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और इस तरह से मार्कस स्टोइनिस आउट हो गए। आपको बता दें कि धोनी की टीम चेन्नई में कई उम्र दराज खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक फैफ डु प्लेसिस भी हैं। फैफ डु प्लेसिस 34 साल के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस कमाल की है। यही वजह है कि वो एक से बढ़कर एक कैच लपकते दिखाई देते हैं। वैसे प्लेसिस की फील्डिंग को सोशल मीडिया पर फैंस ने भी सलाम किया है। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर IPL 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।